नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें, हमारी डीएलएड परीक्षा की तारीख को घोषित कर दिया गया है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं डीएलएड छात्रों के लिए एक नोटिस को जारी किया गया, उस अपडेट को भी देखेंगे। और आपको दोस्तों बताएंगे हमारी जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा है वो कैसे होगी। और देख सकते हैं जो हमारी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर डेट शीट घोषित किया गया है दोस्तों, उसकी जो तारीख है ना वो 9 तारीख से लेके दोस्तों आप देख सकते हैं 11 तारीख तक पेपर कराया जाएगा, मतलब 9, 10, 11। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और जरा हम आपके सामने डेट शीट को पहले रख देते हैं। अगर आप लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का भैया पेपर देंगे तो 9 तारीख को दोस्तों हमारा जो पेपर होगा 9 मई को, वो पेपर होगा हमारा बाल विकास, और 9 तारीख को ही पेपर होगा हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 10 तारीख को पेपर होगा, जरा यहाँ पर देख सकते हैं, 10 तारीख को होगा विज्ञान का पेपर, यहाँ पर गणित का पेपर, और 10 तारीख को सामाजिक अध्ययन का पेपर। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अंतिम दिन का पेपर होगा 11 मई को, वो होगा हिंदी का पेपर, 11 तारीख को संस्कृत का पेपर, और 11 तारीख को कंप्यूटर का पेपर होगा। मतलब परीक्षा की तारीख है 9 मई, 10 मई, 11 मई। और उसके बाद दोस्तों बात करें, हमारा जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसकी परीक्षा की शुरुआत होगी दोस्तों हमारी 28 तारीख से। तो पहला पेपर दोस्तों हमारा 28 अप्रैल को कराया जाएगा। 28 अप्रैल को 2 पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद जो दूसरे दिन का पेपर रखा गया वो 30 तारीख रखा गया, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों 2 तारीख को पेपर कराया गया, 2 मई को, 2 तारीख को हिंदी का, संस्कृत का और कंप्यूटर का पेपर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आप डीएलएड की परीक्षा डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए अधिक जानकारी के लिए dlrizult.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप लोग अपना जो परीक्षा की तारीख है उसको सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर परीक्षा की तारीख में कोई भी बदलाव किया जाएगा तो उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं, ये वादा है हमारा। तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस अपडेट को जरा देखिए, डीएलएड परीक्षा वर्ष 2022 जनपद वार परीक्षार्थियों की संख्या, आगरा में दोस्तों कितने बच्चे हैं, हाथरस में कितने बच्चे पेपर देंगे, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ईटा, कासगंज, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद प्लस संभल। तो अलग अलग जगह से दोस्तों अलग अलग अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 25 तारीख से लेकर 27 अप्रैल तक होगा, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 28 अप्रैल को होगी, उसके बाद 30 तारीख को, और उसके बाद 2 मई को। तो दोस्तों हमारी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसकी तारीख है 4 मई से लेकर 6 मई तक, मतलब 4, 5, 6 लगातार पेपर होगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी प्रथम सेमेस्टर डेट शीट है 9 तारीख, 10 तारीख, 11 मई। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी बातें क्या लिखी है जरा इसको सुन लीजिए। परीक्षा केंद्र जनपद मुख्यालय से नजदीक हो तथा वहां पर अभ्यर्थियों के पहुंचने में असुविधा ना हो। तो ये पर दोस्त ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे केंद्र बनने चाहिए उसके लिए कुछ यहाँ पर बड़ी बातें लिखी गई हैं। तो पीएनपी इस बात का जरा ध्यान रखिए कि भैया वहां साधन पहुंच जाए, ऐसा ना दोस्तों सेंटर दे दे जहां पर गली में दे दे, जहां पर ना ऑटो पहुंच पा रही ना कुछ पहुंच पा रहा है। उसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र की न्यूनतम धारण क्षमता 300 होनी चाहिए तथा निर्धारित केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। परीक्षा केंद्र अच्छी ख्याति वाले राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों को ही निर्धारित किया जाए। तो कुल मिला के दोस्तों आपके भैया प्राइवेट स्कूलों में सेंटर नहीं बनेगा। ये सब दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में हम लिंक दिए जहां से आप लोग इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। और डीएलएड दोस्तों परीक्षा की जो ऑफिशियल डेट शीट है जो आपके यहाँ पर हम रख रहे हैं, ये दोस्तों अब जारी कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी छात्रों के लिए। अब लग जाइएगा तैयारियों में, वीडियो को शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको सबसे पहले सूचित किया था, YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो बना दी थी ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने अपने दोस्तों के साथ। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टोटल छात्रों की संख्या आप देख सकते हैं 1,27,513 है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक और बड़ी चीज हम आपको सामने रखते हैं। अगर आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, अगर आप पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखिए पहले, 8738 07 9216 8738 07 9216। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों हम अलग अलग वीडियोस की लिंक दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में भैया अच्छी वीडियोस हैं, उससे आप पढ़कर भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अभी तक जीरो है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी अभी ना के बराबर होगी, और यह हर बार ऐसा दोस्तों देखने को इसलिए मिल जाता है क्योंकि अधिकांश बच्चे डीएलएड के साथ साथ नौकरी या कुछ ना कुछ अपना रोजगार करते रहते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी बात है, तैयारी करिए, टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत कठिन नहीं आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तैयारी कमजोर है तब देखिए दिक्कत हो जाएगी। एक और बात है दोस्तों,
लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है ना, यहाँ पर देखिए दिक्कत आती है, ठीक है। दिक्कत यह आती है कि बच्चे तैयारी कम होती है और उसके बाद बैक बैक लगने की दिक्कत आ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और बड़ी बातें लिखी है, और जो भी दोस्तों खबर निकल कर आएगी खबर भी हम आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है, कोई भी खबर छूटेगी नहीं। और परीक्षा की डेट शीट आ गई जो कि बहुत ही बड़ी खबर है सभी छात्रों के लिए। जिन बच्चों की तैयारी कम है वो बच्चे अभी थोड़े से टेंशन में होंगे कि यार कैसे पढ़ाई करे क्या करे, ठीक है, कि बैक ना लगने पाए। तो जरा पहले हम आपको बता देते कि कौन कौन से विषय में बैक लगती है और क्यों लग जाती है। देखिए भैया आग बंद करके एक सब्जेक्ट सबको पता है कि मैथ। जी हाँ दोस्तों, गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं हर साल के, भैया ये रिकॉर्ड है। उसका रीजन हम आपको बता दें, गणित का पेपर हमारा होता है 1 घंटे का। अब 1 घंटे में दोस्तों काफी बच्चे टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अगर पेपर दोस्तों ये 2 घंटे का होता तो आराम से बच्चे नंबर अच्छा खासा स्कोर कर जाते। 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें से पास होने के लिए आपको कम से कम न्यूनतम 12 नंबर लाना पड़ता है। और आपको दोस्तों बता दें भैया पीएनपी ने रिकॉर्ड बना दिया था, पिछली बार काफी ऐसे बच्चे थे जिनके 11 11 नंबर है, एक एक नंबर से यहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं। जिन बच्चों का 11 नंबर था, अगर भैया एग्जामिनर चाहता उनको 11.5 करता तो ये 12 बन जाते। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि यहाँ पर आपको नंबर फ्री के मिलेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी बैक हिंदी में लग गई। यहाँ पर देखिए हम आपको बिल्कुल डरा नहीं रहे, ये सच्चाई है। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि यार कोई बच्चा हिंदी में फेल हो गया, कोई बच्चा संस्कृत में फेल हो गया। देखिए दोस्तों जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बैक देखने को मिलती है वो सब्जेक्ट दोस्तों हमारा गणित है, ठीक है। नंबर 1 पर गणित है, दूसरे नंबर पर संस्कृत है। उर्दू में उतनी बैक नहीं आती, लेकिन संस्कृत और गणित ये दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इन 2 विषय में निकल गए ना तो फिर बैक लगने के आपके आसार बिल्कुल ना के बराबर होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, सामाजिक अध्ययन विषय की जब आप तैयारी करें तो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन आजकल जो आते हैं ना सामाजिक अध्ययन में वो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, मतलब बिल्कुल सटीक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इधर उधर घुमा फिरा कर नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या। अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो सीधे नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप बनाकर नहीं लिख सकते, तो तैयारी अच्छी करिएगा। अभी देखिए पर्याप्त समय, देखिए सबसे अच्छी बात जो आज हमें लग रही है कि बहुत ही पहले डेट शीट को जारी कर दिया गया, तकरीबन 1 महीने का समय मिल रहा है प्रथम सेमेस्टर छात्रों को। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर होगा 9 मई से हो रहा है, तो 1 महीने से ज्यादा का समय है गाइस। अगर आप चाहेंगे तो अच्छी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप 90% स्कोर कर पाएंगे, 90 से भी ज्यादा जाएंगे, ठीक है। 525 नंबर का दोस्तों आपका इंटरनल होता है डीएलएड में, 425 का इंटरनल है प्लस 100 नंबर टीचिंग का आपका, ठीक है। तो टीचिंग में 100 में से 99 कंफर्म होता है लगभग आपका। 425 में अगर आप दोस्तों 421 नंबर या जो भी नंबर स्कोर कर जाए तो एक बेहतर नंबर आप, ठीक है, बन जाएगा, मतलब आपकी परसेंटेज बनेगी। और नंबर एक एक दो दो नंबर कटने ना पाए आपके प्रैक्टिकल इंटरनल ये सब में, जरा ध्यान रखिएगा। डीएलएड आप इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो फिर बीएड करने वाले छात्रों का फायदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड का आपको लाभ मिले तो भैया आपकी जो परसेंटेज है वो 90% या मिनिमम 88% बने। 88 तो आराम से 200% आपका बन जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी सी तैयारी आपको अच्छी करनी है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर दोस्तों अब छूटेगी नहीं। हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया जहां से हम लोग तैयारी करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें, यूपी टेट रिजल्ट कब आएगा, 10,000 भर्ती घोषणा के बाद उम्मीदवार सीएम योगी से लगा रहे हैं गुहार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बड़ी खबरें आजकल लगातार सामने आ रही। कमेंट बॉक्स में हमने यूपी टेट रिजल्ट का लिंक दे दिया जहां से आप लोग उसका भी रिजल्ट लगातार चेक करते रहिए। जो भी अपडेट निकल कर आएगी बड़ी बड़ी खुशखबरी होंगी, वो अपडेट आप तक पहुंचेगी। डीएलएड स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई, तो स्कॉलरशिप स्टेटस का लिंक दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों समय आ रहा है स्कॉलरशिप आने का, तो आप लोग चेक करते रहिए। डेट शीट आ गई है 19-21 बैच के लिए, बड़ी खबर है। बाकी प्रमोट की कोई बात नहीं लिखी गई जो कि छात्रों के साथ धोखा है, तो कोई भी खबर छूटी नहीं। वीडियो को शेयर करिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।